तो क्या आ रहा है? क्या चीज है पीछे? ऊंट है, कैमल। हेलो दोस्तों, लो कुमार ब्लॉक में आपका स्वागत है। देखिए, नंद किशोर सिंह अभी व्यू मार रहे हैं और डायरेक्टर साहब आ रहे हैं दब के। आ गए डायरेक्टर साहब। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि अभी देख रहे हैं, अभी शाम का समय है, तो हम लोग तीन लोग आए हुए हैं घूमने फिरने, और थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, उमेश कुमार आज कैमरा पकड़ा हुआ है और उमेश को ही जिम्मेवारी दिया गया है, ये ब्लॉग कर रहा है। तो देखिए, पीछे नंद किशोर कुमार हैं जो कि हमारे साथ आए हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए हम कैमरा करते हैं। तो अभी जो शाम का समय है, उमेश कुमार बताएंगे कि यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। घूमने फिरने में शाम को अच्छा लगता है? बढ़िया लगता है। ज़्यादा तो नहीं दौड़े हैं, बस एक ही राउंड दौड़े हैं। और देखिए चेहरा पर भी स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तो देखिए हमारे बीच नंद किशोर जी हैं, वो बताएंगे कि व्यायाम करने से क्या फ़ायदा होता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है। सुबह सुबह दौड़ना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, उमेश कुमार आप इधर आइए, कैमरा से हटिए मत, क्योंकि आप ही, आपको ही जिम्मेवारी है आज के ब्लॉग करने के लिए। तो जैसा कि बता रहे थे नंद किशोर जी कि प्रैक्टिस करना यानी व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, अच्छा रहता है। खासकर सुबह प्रैक्टिस करने से काफ़ी स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन ऐसे अगर समय नहीं मिल पाता है तो शाम को भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो देखिए अभी शाम का समय है और हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने के उपरांत हम लोग घर की ओर जाएंगे। तब तक उमेश कुछ आप लोगों को इंटरटेन कर लेंगे, कुछ गाना वाना गा करके, कोई भी गाना जो अच्छा लगता है। स्टार्ट करो। दिया बनाए जान हम सहबना जुदाई, जाए से पहले दे दा मौत के दवाई। दिया बनाए जान हम सहबना जुदाई। तो देखिए जैसा कि उमेश कुमार ने गाना गाया, बहुत ही सैड सॉन्ग था कि जिया बनाए जान सहबना जुदाई। अच्छा, सहबना जुदाई, बहुत अच्छा है। एक टैलेंटेड मतलब पर्सन है, गीत उत गाते रहते हैं, इनका शौक है, मैंने गुनगुनाते रहते बचपन से ही शौक है। और चूंकि इनको बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये अपना टैलेंट वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। बस सर पे आपका सपोर्ट अगर चाहिए अगर रहेगा तो ये भी बड़े स्टार बन सकते हैं, ये भी पवन सिंह के सारी उनके जैसा बनना चाहते हैं। पब्लिक तो एक ऐसा अति है जिन्होंने जो छोटा से छोटा कलाकार को बड़ा कलाकार। हाँ, ये तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है, वो किसी भी कलाकार को बड़ा बना सकते हैं और किसी भी स्टार को वो मतलब उसको धराशाही कर सकते हैं, यानी उसको ये कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो ये जनता पर निर्भर करता है, जैसा कि अभी देख रहे हैं। देखिए इधर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, रेलवे ट्रैक है, ट्रेन आती जाती रहती है और शाम का दृश्य कहना ही कुछ और है। तो देखिए नंद किशोर जी ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ संगीत का मतलब मज़ा ले रहे हैं, पूछते हैं कौन सा संगीत सुन रहे हैं, हिंदी सॉन्ग है या भोजपुरी, क्या चीज़ सुन रहे हैं गाना ब्लूटूथ के माध्यम से। बेटी बेटी विदाई का सॉन्ग है। अच्छा, बेटी विदाई का सॉन्ग सुन रहे हैं, थोड़ा सा सामाजिक व्यक्ति है, समाज के प्रति चलने वाले व्यक्ति हैं, तो बेटी से संबंधित कोई सॉन्ग चल रहा है जो कि उसी को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोग तो भोजपुरी को सुनते हैं और उसमें बहुत सारा फुहरता रहता है, और उसको तो पूरा क्या बोलते हैं घर परिवार में सुनते हैं, उनको नहीं लगता है कि गाना में क्या बोल है, फिर भी सुनते हैं। और क्या बोला जाए कि भोजपुरी में थोड़ा सा ज़्यादा अश्लीलता देखने को मिलता है, ऐसे सभी गाने में नहीं मिलता है, लेकिन आधा से अधिक में यही सब देखने को मिलता है। और लोग अधिकतर पता नहीं क्यों उसी गाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस प्रकार से अभी आप गाना सुन रहे हैं बेटी विदाई से संबंधित, आप इस तरह के गाने को सुन रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे युवा होंगे जो कि इस तरह के गाना को पसंद करते हैं और सुनते हैं, चलिए बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी देखिए रेलवे ट्रैक है और पीछे हवा ताली आ रहा है, हम लोग हवा ताली बोलते हैं, नया चौक बोल सकते हैं। और कुछ कर्मी लोग हैं जो कि काम के सिलसिले में इसे आते जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा यह दृश्य, देखिए आप देख रहे हैं
आवाज आ रहा होगा, देखिए काम करके घर की ओर जा रहे हैं, अपना डेरा उरा में डेरा इधर डालते के तरफ होगा तो जा रहे हैं। और ये तेल से चलता है, पहले होता क्या था कि पहले इसको ढोकला जाता था और एक किलोमीटर आधा किलोमीटर तक ढोकलने के बाद चल जाता था, फिर पुनः उसको ढोकलना पड़ता था। लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया है, अब नए नए तकनीकों का आविष्कार भी हो गया है। तो एक और देखिए वहाँ पर आ रहा है, तो चूँकि अभी काम प्रगति पर है इसलिए ये सब आवाजाही लगातार चलते रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, जय हिंद जय भारत। तक लाइक सब्सक्राइब कीजिए।